जो भी इन्होंने वादे किए थे जिस दिन ये किसान आंदोलन वापस हुआ, और बस वो सिर्फ 3 कानून वापस ले लिए थे, इसके अलावा तो ना मुकदमे वापस हुए, ना MSP लागू हुआ है, ना MSP को कानूनी दर्जा मिला है। तो किसानों की जो मुख्य मांगे थी वो तो ऐसी की ऐसी पड़ी। सरकार में थे जब आप सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे किसानों के समर्थन में, तो सर ऐसा लगा कहीं आप पर भी दबाव आया हो? अब मेरा कहना ठीक नहीं है, दबाव तो बहुत तरह के थे, पर मैंने माना नहीं कोई दबाव। हरियाणा सरकार की अब इस समय जो चाल चल रही है, जो राजनीति हो रही है, किसानों को जो लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे मलिक साहब? हरियाणा में तो किसानों की सरकार नहीं है, और दुखद बात है कि हरियाणा में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, किसानों को आइसोलेट किया जा रहा है। तो जब मौका आया बिरादरियों मत पड़ना, इकट्ठा हो जाना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर धरने पर किसान दोबारा बैठे तो क्या आप उनके साथ? सब जगह जाऊंगा जहां भी बैठे। किसानों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इससे बड़ा क्या संदेश है भाई, लड़ो, जो लड़ेगा वो पाएगा, वो जीतेगा। मलिक साहब, जो देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आज मोदी हो रहा है, PM मोदी का ही नाम है, क्या कहेंगे आज की राजनीति और पीछे जो आपने देखा है राजनीति में, क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए फ़र्क ये है कि ये सारा मीडिया का खेल है, कोई मोदी नहीं कर रहा। आप अभी देखो ये जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनमें सब जगह घटेंगे, लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चल रहा है। बंगाल हारेंगे, केरल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, और सिर्फ UP में वो मायावती चूँकि खेल कर देती है आखिरी वक्त में पैसे के लालच में, बाकी ना पंजाब जीत रहे हैं ना हरियाणा जीत रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद जो स्थिति पैदा हुई देश में, तो वो 2024 के चुनाव में क्या मलिक साहब उसका असर देखने को मिलेगा? इससे बढ़ा हुआ मिलेगा जो आज, तो भाजपा को लोग इसके खेल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ अडानी के गोदाम बनवा दिए इन्होंने पानीपत में, बड़े पैमाने पे गेहूँ खरीद के डाल दिया, क्योंकि गेहूँ महंगा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार, किसान के तो दाना रहा नहीं, उसका तो चला गया, तो अभी अडानी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। किसान की आय जो बढ़ाने की बात थी वो आज बढ़ी नहीं है, किसान दुखी है, तो क्या कहेंगे सर? देखो किसान की आय तो कभी नहीं बढ़ी बेचारे की, वो तो ऐसे ही उथल पुथल रहता है। किसान की आय बढ़ाने का इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई वो नहीं किया तरीकाकार के इससे आमदनी बढ़े। आमदनी कब बढ़ती है? जब आपको सही दाम मिले, उसको लागत भी नहीं मिलती, सही दाम मिलना तो एक अलग बात है। सर जिस तरह पैसे के दम पर चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है, क्या लगता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? देखिए इस देश में बहुत आए हैं ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की है, वो उसमें खुद ही खत्म हो गए। ये सब किस जब आपकी समझ में आ रहा है ये खेल, तो लोगों की समझ में भी आता है, लोग इसका जवाब दें। मलिक साहब तो बिना किसी के मांग किए बनों का जो सेनाओं में जो रिकॉर्ड है वो इतना शानदार है, चुशूल की लड़ाई हुई थी जिसमें 100% ही अहीर थे, आखिरी गोली तक और आखिरी आदमी तक लड़े, जब सब मर गए तब वो चौकी चाइनीज को मिली। तो इतने शानदार बहादुर को कोसली गांव है, मेरे मामा का गांव है दादरी, वहीं बराबर में हर घर से दो दो तीन तीन लोग, तो जो इतने अच्छे लड़ाके लोग हों, जो देशभक्त हों, उनकी रेजिमेंट तो आज से पहले बन जानी चाहिए थी। धन्यवाद। सत्य सटीक बेबाक।